हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और महाकाल की नगरी उज्जैन में आज अपन घूम रहे हैं। आज अपना डे टू है और आज अपन यहाँ से जा रहे हैं ओंकारेश्वर, जो एक और एक ज्योतिर्लिंग है। वो यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर और है। और अपन ने वोल्वो वगैरह बुक कर लिया हम लोग ने कल ही, जैसे आपने पहले ब्लॉग में देखा है। तो आज तक अपना उज्जैन में दो ब्लॉग हो गए, अगर आपने देखा नहीं है तो पहले वो देख लीजिए, फिर आज ओंकारेश्वर का जर्नी एंजॉय कर लीजिए। तो अपन ने ओंकारेश्वर के लिए बुक किया था बस हर सिद्धि माता का, जहाँ पर टेम्पल है वहाँ पर ही। पूरा MP गवर्नमेंट से चलता है वो सब बसेस वगैरह, तो हम लोग ने AC बस बुक किया। इधर से 4 घंटे का जर्नी है, 150 किलोमीटर कुछ है। तो अभी वहीं पे निकले, सुबह के अभी बजे 6:55, हम लोग का 7:40 का बस है। तो अभी हम लोग को चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करना है, इसके लिए जल्दी निकले। तो दोनों भाई रेडी हो गए आज के लिए जर्नी एंजॉय करने के लिए। आज का पूरा दिन ओंकारेश्वर घूमने जाएगा, क्योंकि इधर से 4 घंटा जाने के लिए, फिर उधर 2-3 घंटा लाइन में दर्शन वगैरह करने के लिए और थोड़ा घूमने के लिए लगेगा, और आने के लिए 4-5 घंटा लगेगा क्योंकि शाम में ट्रैफिक हो जाएगा। तो आज का पूरा दिन ओंकारेश्वर घूमने ही जाएगा। तो हम लोग ने वही प्लान किया था कि आज का दिन ओंकारेश्वर के लिए रखा है। तो बस दोनों भाई मस्त अभी की रेडी हो गए, देखो टकाटक बन के निकल गए। तो पहले सुबह महाकाल का नारा लगाते और फिर निकल जाते। तो बोल भाई, जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आपको उज्जैन से ओंकारेश्वर जाने के लिए बस कहाँ से मिलता है, कैसा, उसका जो भी डिटेल्स ही है मैंने एकदम शॉर्ट में सेकंड ब्लॉग में दे दिया है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। आपको अभी इधर शॉर्ट में बता देता हूँ, हरसिद्धि माता टेम्पल है, महाकालेश्वर टेम्पल से अपन दर्शन करके आगे जाएंगे। हरसिद्धि माता का टेम्पल है जस्ट उधर लेफ्ट साइड में, काउंटर लगा है MP गवर्नमेंट का है, तो वहाँ पर जाके आप बुक कर सकते हो। और प्रॉपर सर्विस है, जैसे बुक करोगे वैसे आपको मैसेज आ जाएगा, फिर शाम को बस का नंबर वगैरह सब आ जाता है, टाइमिंग वगैरह ड्राइवर का नंबर तक आ जाता है। तो इतना प्रॉपर सर्विस है। तो चलो अभी पहुंचता हूँ और आपको बस वगैरह दिखाता हूँ। तो भाई अभी आपको इधर का टेम्परेचर बता देता हूँ, जो टेम्परेचर अभी है। तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। रूम में तो क्या है, हीटर वगैरह था, फैन वगैरह बंद था, तो इतना ठंडी लग नहीं रहा था। तो हम लोग को लगा चलो नॉर्मल है, अभी थोड़ा बाहर है तो समझ रहे 15 डिग्री ठंडा है, थोड़ा मैनेजेबल है, इतना भी ज़्यादा ठंडा नहीं है बट फिर भी ठंडी महसूस हो रहा है हाथों को। और हम लोग ने ऐसा प्लान इसके लिए बनाया, 30 को आ रहे, हम लोग ने महाकाल के दर्शन कर लिए, आज 31st है, आज हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर, वहाँ के दर्शन करके आएंगे। आज शाम को रिटर्न उज्जैन ही आने हम लोग को, और फिर कल जो 1st तारीख है, पहला सोमवार है, फिर से महाकाल के दरबार में जाके हम लोग को दर्शन करने हैं अर्ली मॉर्निंग। क्योंकि मेरे को यही था कि जो न्यू ईयर है 2024 का 1st डे, वो भी पहला सोमवार आ रहा है, तो वो मेरे को महाकाल के दरबार पे ही स्टार्ट करना था। तो ऐसा कुछ हम लोग का प्लान था और वो सक्सेसफुल होते दिख रहा है। तो आप लोग सोचते रहोगे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि उज्जैन आया फिर ओंकारेश्वर जाके फिर उज्जैन आ रहा हूँ। तो हम लोग का मेन प्लान था कि जो 1st डे 2024 वो महाकाल के दरबार से चालू करना है, क्योंकि 1st डे न्यू ईयर का 2024 का, वो भी पहला सोमवार आ रहा है, और हम लोग महाकाल के दरबार में रहेंगे, दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद से न्यू ईयर स्टार्ट करेंगे, उससे बढ़िया क्या ही चीज़ हो सकती है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा हेक्टिक होएगा, चलेगा अपना शेड्यूल, बट अपने को आना उज्जैन ही है रिटर्न और महाकाल के फिर से दर्शन करने। तो कल अर्ली मॉर्निंग हम लोग जाएंगे फिर से दर्शन करने, क्या बोलता है भाई? जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। और मेरे को लग रहा है आज 31st है, इतना गाड़ी मॉर्निंग में जा रहा है। कल मैं 8:30 को हम लोग ने इधर आया था, तब भी इतना गर्दी नहीं था, जो आज सुबह 7 बजे से इतना गाड़ी भाग रहा है, देखो पूरा गाड़ी का आवाज़ आ रहा है, कल इतना ट्रैफिक नहीं था। तो मेरे ख्याल से बहुत सारा पब्लिक आज आ रहा है यहाँ पे, जो दिख रहा है मेरे को रास्ते पे, क्योंकि कल हम लोग 8-9 बजे घूम रहे थे तो भी इतना पब्लिक नहीं था, और आज को ज़्यादा ही पब्लिक दिख रहा है। तो शायद 31st है, इसके लिए बहुत सारे पब्लिक ने इधर अप्रोच किया है उज्जैन जाने के लिए, जो बहुत बढ़िया बात है। पार्टी वगैरह मिस करके अगर आप उज्जैन आ रहे हो तो भाई हिंदुस्तान सनातनी धर्म बन रहा है, क्या बोल रहा है भाई? भारत सनातनी धर्म बन रहा है। तो भाई बस पकड़ने के पहले हम लोग जल्दी इसके लिए निकले कि थोड़ा नाश्ता वगैरह कर लेते। तो देखो भाई पोहा चालू है, इसके बाद और भी खाएंगे फिर निकल जाएंगे बस के लिए। तो यहाँ से अपन ने टिकट बुक किया था, और ये हरसिद्धि माता का मंदिर है राइट साइड में, और आपको बस मिलेगा लेफ्ट साइड में, जहाँ पे चारधाम पार्किंग है वहाँ पर आपको बस मिलेगा। यहाँ पर जाना है अपने को, बस मिलेगा बैरिकेड के उस साइड बस है। आज सुबह सुबह कितना भीड़ है देखो, ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि हम लोग कल आ गए, आराम से एकदम शांति से दर्शन किया, सब अच्छे से घूमे। आज बहुत हल्ला है, बहुत गर्दी है, चलने के लिए जगह नहीं है, और अभी हम लोग भाग रहे हैं इसके
क्योंकि हम लोग बस के लेट हो चुके हैं। नाश्ता करने लग गए थे तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। उसका फ़ोन आ गया बस वाले का, भाई किधर हो? बोला 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ, अभी बस बस ढूँढ रहे फिर निकल जाएंगे। तो भाई देखो ऐसा कुछ अपना एसी बस दिख रहा है, वो अच्छा वोल्वो टाइप है और ये पूरा गवर्नमेंट से। भाई देखो नंबर वगैरह दिख रहा है, अगर आपको कांटेक्ट करना है तो कर सकते हो। मेरे को गाड़ी का नंबर पहले ही आ गया था 8422MH13P। तो देखो अपन बराबर पहुँचे MP13P। ऊपर लिखा है उज्जैन इंदौर। अरे ओंकारेश्वर आया नहीं साहब, आया आया लेट आया लेट आया। 2x2 है, मस्त भाई के बैठे जाएंगे, एसी है। चलो अंदर का नज़ारा दिखा दो। देखो ऐसा पूरा बस है, पूरा एसी है। मस्त 2x2 है और देखो ये अपना सीट है C1 C2। यहाँ पे बैठ के दोनों भाई जाएंगे। देखो बस में बैठ गए और सीट भी मस्त निकल रहा है। देखो मस्त सो के जा सकते हैं आराम से, कोई तकलीफ नहीं है। और विंडो सीट लिया हम लोग ने इसके लिए ताकि थोड़ा सिनेमेटिक शॉट वगैरह ले ले भाई, मज़े आ रहे। जय महाकाल, जय श्री महाकाल। मस्त सूर्योदय हो गया बहुत पहले, देखो ओहो क्या क्रेजी आ रहा है। वाओ भाई। 4 घंटे का जर्नी कंप्लीट करने के बाद बस का, उसने हम लोग को बस स्टॉप पे छोड़ दिया। बस स्टॉप से हम लोग ने ऑटो किया, 20 रुपीज़ पर हेड ऑटो ने लिया। बट आज 31st है, बहुत लोग आए, इतना गाड़ी रास्ते पे की पूरा ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक। तो हम लोग ने ऑटो बीच में छोड़ दिया और अभी चल के जा रहे। अब उसने हम लोग को ममलेश्वर की तरफ छोड़ा, बट पहले हम लोग ओंकारेश्वर के दर्शन करेंगे, फिर मंगलेश्वर के दर्शन करके फिर उज्जैन जाने की बस बुक करके निकलना है। अभी बहुत कम टाइम है और वो बोल रहा था ऑटो वाला कि 6 घंटा लगेगा दर्शन करने के लिए। चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी इधर एक स्काई वॉक है, स्काई वॉक पकड़ के हम लोग जा रहे हैं ओंकारेश्वर टेम्पल। देखो ऐसा ब्रिज के बाजू से नज़ारा है, ब्रिज पे हम लोग चल रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रिज है, यहाँ पे एक ब्रिज सामने देखो। अभी हम लोग लाइन में लग गए और खतरनाक मजबूत कर दिए, मजबूत। इतना महाकाल के दर्शन के लिए भी नहीं था उतना कर दिया, क्योंकि आज सब लोग आ रहे हैं 31st है ना, सब लोग आ रहे हैं। देखो गर्दी देखो, यहाँ से करीब और आधा किलोमीटर मेरे ख्याल से, अगर मैं रॉन्ग नहीं होगा तो आधा किलोमीटर ऐसा कर दिए। अभी देखते हैं कितने घंटे में दर्शन होते हैं। अभी बजे है 12:30, हम लोग लाइन में लग गए, अभी देखते हैं कभी दर्शन होते हैं। बहुत गर्दी है बहुत, 1 घंटे में हम लोग ने 100 मीटर भी आगे नहीं आए, 1 घंटा हो गया हम लोग लाइन में लग के 100 मीटर भी आगे नहीं आए। अब देखते कभी दर्शन होते हैं, पर दर्शन करके जाना है। सही बोला पंडित जी। मार 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 मार। Thank you.
ये देखो भाई, ये प्रवेश द्वार है और इतना गर्दी कि मोबाइल निकालने जगह नहीं है। देखो ऊपर से पूरा गर्दी, पीछे पूरा गर्दी, गर्दी पीछे पूरा गर्दी। 3 घंटे लगे अभी तक हम लोग इधर ही पहुंचे हैं, अभी तक द्वार पे पहुंचे जैसे और 2 घंटा आगे लगेगा। बेबी हम लोग को मिल गया है। ये भाई कहाँ से है? अहमदाबाद। अहमदाबाद से भाई आया है। गर्दी देखो, गर्दी लाइन एकदम लास्ट तक इधर से हमने स्टार्ट किया। मजबूत लाइन है, मजबूत। भाई को दो फोन, भाई लेंगे वहां से। भाई देखो, हां हम लोग 12:30 बजे लाइन में लगे थे, अभी बजे 5:10। हम लोग को लगा 4 घंटा 40 मिनट गिन के, और हम लोग उज्जैन से आए थे 4 घंटा बस से, टोटल 8 घंटा 40 मिनट के दर्शन है कि 2 सेकंड के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने का जो खुशी हुई, क्या बोलता है भाई? बहुत मजा आ गया। अब 4 घंटे की वापस जर्नी करनी है भाई, वापस 4 घंटा जाना है उज्जैन के लिए। 12 घंटे की जर्नी, 2 सेकंड के दर्शन, बट 2 सेकंड 2 सेकंड के बराबर थे। बहुत मजा आ गया, मजा तो बहुत आ गया। इतने आसानी से भगवान मिलते नहीं है, ये आज प्रूव हो गया। मजा आ गया, दर्शन हो गए, एक नंबर भाई। 4 घंटा 40 मिनट लाइन में लगने के बाद दर्शन हो गए, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अब आराम से जाएंगे, अभी इधर से उज्जैन रिटर्न जाना है, बस वगैरह बुक नहीं किया है। अभी जाएंगे संगम वगैरह देखेंगे, घाट देखेंगे, ममलेश्वर के दर्शन करने, फिर जाके बस स्टॉप पे बस पकड़ के चले जाएंगे उज्जैन। देखो हम लोग रिटर्न आए, फिर भी इतने लाइन है, अभी तक बहुत दूर तक लाइन है। चलो भाई आकाश से पूछते हैं, अपन ने इतना घंटा ट्रैवलिंग करके आए, लाइन में लगा, कैसा लगा था? दो सेकंड के दर्शन, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई दोस्तों। मैं बोलूँगा कि आप लोग वहाँ पे जरूर आए, एक अलग ही एनर्जी फील होता है। 2 सेकंड में जो एनर्जी होता है ना भाई, आकर हमने कभी नहीं महसूस किया हुआ है, बट और पूरी थकान मिट जाती है। हाँ, और वहाँ पे पता भी नहीं चलता है कि हमें थकान हुई है। तो बहुत अच्छा है, रिक्वेस्ट कि सब लोग विजिट जरूर करेंगे, और लाइन लगा के जाना, मजा आता है। तो अभी ओंकारेश्वर के दर्शन हो गए, अभी जा रहे हैं ममलेश्वर, क्योंकि अगर आप ममलेश्वर दर्शन नहीं किया तो ये ओंकारेश्वर का दर्शन करके पूरा वेस्ट है। इसके लिए अभी ओंकारेश्वर टेम्पल से सब 200-300 मीटर पे ये ममलेश्वर टेम्पल, अभी वहाँ आके शायद वहाँ भीड़ कम होगी, ऐसी आशा करते। अब देखते जाते ममलेश्वर टेम्पल। देखो पूरा नर्मदा नदी का घाट है, और अपन वहाँ देखो महादेव के दर्शन करके आए, वहाँ सामने वहाँ पे हम लोग दर्शन करके आए। और ममलेश्वर मंदिर देखो, इसके अपोजिट साइड एग्जैक्ट झूले पे है, बराबर अपोजिट साइड है यहाँ से। चलो अभी आ गए ममलेश्वर टेम्पल के दर्शन करने, पहुँच गए यहाँ पे। यहाँ पे भीड़ थोड़ी कम लग रही है, देखते दर्शन कभी होते हैं। अभी बजे 5:30 एग्जैक्ट। देखो मंदिर कुछ बाहर से नज़ारा है, देखो प्रवेश द्वार, ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रवेश द्वार, यहाँ पे जाते हैं अभी दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भी लाइन दिख रही है,
भाई साहब एक फोटो निकालिए मेरा यार। तो अभी हम लोग ममलेश्वर की लाइन लग गई थी, 15-20 मिनट में दर्शन हो जाएगा ऐसे बोल रहे, तो गर्दी ज्यादा दिख भी नहीं रही, तो चलो फटाफट दर्शन कर लेते। ममलेश्वर महादेव के भी दर्शन हो गए, मतलब ये अपने ओमकारेश्वर के दर्शन पूरे हो गए। अभी अपन 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग कर लिया, शंकर भगवान का बुलावा आया तो 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग हो गए। क्या बोलते हैं भाई? हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्लेस्ड है हम लोग की भगवान ने हम लोग को बुलाया, 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग करवा भी दिए। और भाई इसी वाला ट्रेन बस मिल गया फिर से, भाई करीब निकल जाएंगे। तो भाई अभी बजा रात के 11:40, अभी हम लोग उज्जैन फिर से आ गए। बहुत लेट छोड़ दिया इस टाइम, आते समय ड्राइवर बकवास था, गाड़ी बकवास थी, जाते समय वाला गाड़ी बेस्ट था। तो 11:40 हो गया, अभी कुछ खाने के लिए, सुबह से हम लोग ने सिर्फ एक पोहा और एक समोसा खाया है, उसके सिवा कुछ नहीं खाया है, फिर भी एकदम स्टेबल है, और पानी पिया है बस, और कुछ नहीं किया है। तो अभी खाने के लिए ढूंढते, आज हम लोग का प्लान है रूम में जाकर सोने का, 11:30 हो गया, क्या ही सोएंगे, रूम में जाके फ़ोन चार्ज करना है, और 2:30 बजे निकल जाएंगे महाकाल के दर्शन करने, न्यू ईयर महाकाल के दरबार पर, सोमवार महाकाल के दरबार पे सुबह 6 बजे दर्शन। क्या बोलते हैं भाई? हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई साहब दिन भर पूरा दिन लग गया हम लोग को ओमकारेश्वर जाने में आने में, और 6 घंटे का 4:40 का लाइन था। उसके बाद ममलेश्वर करने के, मतलब एक 6 घंटा हम लोग ने उधर स्पेंड किया, उसमें से तो 5 घंटा लाइन में गया, बाकी महाकाल के दर्शन किए। अभी 2 दिन में 2 ज्योतिर्लिंग हम लोग ने कवर किए, बहुत खुशी हो रहा है। और आज है न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरे को पता है व्लॉग 6-7 दिन लेट आने वाला है, फिर भी यार हैप्पी न्यू ईयर। तो आज है 1 जनवरी और पहले साल का पहला सोमवार जो मैं स्पेंड करने वाला हूँ शिव जी के साथ, महाकाल के साथ। तो महाकाल के दरबार पे अपन ने 30 दिसंबर को भी दर्शन किए थे, आज हम लोग जाएंगे रात को 2:30 बजे उठ के। अभी 12:45 हो गया, बस एक 45 एक घंटे का नैप लेंगे, फ्रेश होंगे, और फिर अभी जाएंगे महाकाल के दरबार पे, लाइन लगाएंगे, दर्शन करेंगे, सुबह 6 बजे तक दर्शन हो जाएंगे। नए साल के पहले दिन पे, सोमवार के दिन पे महाकाल के दर्शन होंगे, इससे अच्छा और अच्छा शुरुआत क्या हो सकता है। लोग पार्टी वगैरह करते 31 का और अपन महाकाल के दरबार पे आए, ऐसे ही अपनी सोच बदलते। लास्ट ईयर तक तो मैं भी पार्टी करता था, लास्ट ईयर क्या जून जुलाई तक भी मेरी सोच वही थी, अभी थोड़ा सोच में परिवर्तन आ गया है। तो चलो बढ़िया है, सब शुक्रिया अदा ऊपर वाले का है। तो अभी महाकाल के दर्शन करते हैं, फिर आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग होगा हम लोग इधर से 3:30-4 बजे निकलेंगे, तब भी स्टार्ट करूँगा। तो आज का व्लॉग पूरा ओमकारेश्वर ममलेश्वर घूमे वही है। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, पीस आउट, जय जय महाकाल।